कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ से तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 1 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। असेसमेंट वर्कशीट जो है चैप्टर नंबर 2 का, आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, उस पर आधारित कुछ सवाल दिए गए। आइए सवाल को देखें और आंसर दें। पहला सवाल कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद पी एक्स बराबर में 2x + 5 का शून्यक है? इसका जीरोज निकालना है। तो देखिए, जीरोज के लिए क्या होता है, इसके बराबर जीरो रख दीजिए, 2x + 5 बराबर में जीरो, शून्य के लिए बराबर में जीरो कर दीजिए, तो एक्स का क्या मान रखने पे जीरो हो जाए, तो यानी 2x बराबर में क्या हो जाएगा, ये साइड चेंज करेंगे तो -5, तो एक्स बराबर हो जाएगा -5/2, जो कि आंसर में आपको ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो ये सही आंसर है। कर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? तो बहुपद के लिए आपको पता है जिस इसका जो अचर चर राशि है उसका घात नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो गलत होगा, रूट में होगा तो ये भी गलत होगा, 1/x होगा तो भी गलत होगा, तो इस तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये तो बहुपद है, सारे सही है, यहाँ पे माइनस में लगा हुआ तो ये बहुपद नहीं है, बाकी सारे बहुपद हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो कि इसमें तीसरे में कह रहा है, इसमें एक्स का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे दो पद दिया हुआ, एक ये पद और एक ये पद, तो जिस पद में एक्स है वो देखिए, 3x वाले में है, 3x वाले में x हटा दीजिए तो क्या बचा, 3, तो लिखेंगे x का गुणांक कोफिशियंट ऑफ x 3 है। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि इसकी घात बतानी है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो देखिए, इसमें जो चर राशि आपको y दिख रहा है, तो y यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये अधिकतम जो पावर होगा, अधिकतम जो घात होगा वो कहलाता है पूरे बहुपद का घात। तो यहाँ पे दिख रहा है 3, तो लिखेंगे ये बहुपद की घात 3 है। अगला कह रहा है जो कि उचित सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करके इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो ये देखिए, 998 का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है 1000 - 2 का स्क्वायर, और आपने पढ़ा है x - y का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है x² - 2xy +y², तो आइए उस पे सजाएं, x के बदले तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 का स्क्वायर - 2 × 1000 × 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, 1000 पे 3 और जीरो लग जाएगा, ये जितना जीरो है उतना ही स्क्वायर करने पे उतना ही और लग जाता है, -2 × 4000 और +4, अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए फिर, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और -4000, तो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 × 4 = 0, 0। अब 1000 में से 4 चला गया तो ये बचेगा, यहाँ से देखिए ये 10 में ये हो जाएगा 9, ये 10, 10 में से फिर ये 9 और ये 10, 10 में से 4 चला गया तो ये बचा 6 और 9, 9, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, सॉरी, 3 अंक के बाद देते हैं और ये यहाँ पे नहीं लगेगा, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।